चलिए आज हम चर्चा करते हैं इंडियन आर्मी क्या है, उनकी कौन से ब्रांच कौन सा काम करते हैं, जैसे सैनिकों की भर्ती कौन करता है, उनका वेतन भत्ता मेडिकल संबंधी कौन सी शाखाएं कौन सा काम करते हैं, उनके नाम उनके काम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्मी क्या है या थल सेना क्या है। थल सेना ऐसी सेना जो जमीन पर रहकर कार्यवाही करती है, मीन्स ऐसी सेना जो जमीन पर पैदल चलकर लड़ाई करती है उसे कहते हैं थल सेना। थल सेना की विभिन्न शाखाएं जो कि अपना सैनिकों से संबंधित विभिन्न काम करती हैं, जैसे कि जनरल स्टाफ ब्रांच जीएस ब्रांच, इसका काम है सामरिक कार्यवाही, मिलिट्री इंटेलिजेंसी, सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण, और जो कवचयुक्त सेना होती है उसका साज सामान या सेना विभिन्न अंगों से संबंधित ये कार्य करती है, जैसे सैनिकों का शिक्षा है, प्रशिक्षण है, जो तोप खाने हैं, वो कवचयुक्त जो सैनिक हैं तो खाना है, उन सबका साज सामान संबंधित कार्य काम को करती है। चलिए नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, एजुटेंट जनरल ब्रांच। दूसरी ब्रांच कौन सी है? एजुटेंट जनरल ब्रांच AGS ब्रांच। इनका काम क्या है? ये सैनिकों की भर्ती करती है, उनकी छुट्टी, उनका प्रमोशन, उनका अनुशासन, वेतन, पेंशन संबंधित कार्य करती है। जो एजुटेंट ब्रांच होती है तो वो सैनिकों के लिए क्या करती है? उनका भर्ती करना, उनका छुट्टी कब, कौन से सैनिकों को कब छुट्टी मिलनी चाहिए, कौन सी मिलनी चाहिए, उनका प्रमोशन कब कैसे होता है, कहाँ करना है, उनके अनुशासन, उनका वेतन पेंशन सारे संबंधित सारे कार्य कौन सी ब्रांच करती है? AGS ब्रांच। नेक्स्ट क्या है, कौन सी ब्रांच है? क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच QMGS, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच। इनका काम क्या है? इनका काम है सैनिकों को भोजन, ईंधन, परिवहन, है ना, जो सैनिकों का फूड है और उनका जो फ्यूल है, जो भी उनका भोजन और उनका ईंधन परिवहन और पशुपालन आदि से संबंधित सारे काम कौन करता है? क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस ब्रांच MGO, मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस ब्रांच। इनके बारे में देखते हैं, ये ब्रांच कौन सा काम करती है? तो ये ब्रांच सैनिकों के वस्त्र, उनके अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद टैंक इनके वितरण, इनकी उनका मरम्मत ये संबंधित कार्य करती है। तो हमने देखा क्वार्टर जनरल ऑर्डिनेंस ब्रांच का काम क्या है, सैनिकों के वस्त्र, जो सैनिकों के वस्त्र होते हैं, जो यूनिफॉर्म होती है उनकी, और उनके अस्त्र शस्त्र एम्यूनिशन जो भी उनके होते हैं, गोला बारूद और जो टैंक है उन सबका वितरण मरम्मत संबंधी ये सारे काम कौन सी ब्रांच करती है? MGO ब्रांच। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच MS ब्रांच। ओके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच, इसका काम क्या है चलिए देखते हैं। यह अफसरों का लेखा जोखा एवं नियुक्ति ट्रांसफर प्रमोशन संबंधित काम करती है। ओके अफसर होते हैं हमारे आर्मी में, अफसर जो होते हैं उनका उनकी पूरी लेखा जोखा, उनका जो भी सर्विस का लेखा जोखा होता है वो उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन संबंधित सारे कार्य कौन सी ब्रांच करती है? तो MS ब्रांच, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच, इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच, ईएनसी ब्रांच, ईएनसी ब्रांच, इनका काम क्या है? इसका काम है यह इंजीनियरिंग संबंधी सारे काम, जो भी मिलिट्री, जो भी हमारे सेना के अंदर मिलिट्री संबंधित इंजीनियरिंग, सेना के अंदर इंजीनियरिंग संबंधी जो काम होते हैं वो कौन सी ब्रांच करती है? ईएनसी ब्रांच। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, मेडिकल इन चीफ ब्रांच, एमएनसी ब्रांच, मेडिकल इन चीफ ब्रांच। तो आप जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये सैनिकों की स्वास्थ्य एवं मिलिट्री हॉस्पिटल संबंधित कार्य के ब्रांच करती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि आर्मी क्या है, आर्मी की कौन कौन सी ब्रांचेज, कौन कौन सा अपना कार्य, कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन सा सैनिकों के संबंधित कार्य करते हैं, तो ये आपको जानना जरूर था। जय हिंद दोस्तों, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा।